गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर एट आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसमें पढ़ेंगे जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आ रहे हैं उसका असेसमेंट करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है हमें हर एक कॉर्नर स्टोन के हमें हर, उसके लिए पॉलिसी बनानी होगी और जो प्रोसीजर है गवर्निंग का उसको इंडस्ट्रियल और जो अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी देखना होगा और इसके वजह से हम अगर देखें ये जो नीड है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असमेंट की इवन एंथ्रोपोलॉजी एक्टिविटी जो है सम इम्पैक्ट डाली इन्वायरमेंट में और मोर हमें इसके लिए हार्मफुल इफेक्ट डाले इन्वायरमेंट पर और ये क्या कहते हैं मैन काइंड के लिए डेवलप करना होगा डेवलप करना होगा यहाँ पे अगर देखें एक्टिवेटेड इन्वामेंट इम्पैक्ट जो देख रहे हैं जो ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन है और जो प्रेजेंट स्टेटस है और विद प्रोजेक्ट एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं समय के साथ लेकिन हमें इसको क्या है अगर हम इसका असेसमेंट अभी असेसमेंट नहीं होता एडवर्स इम्पैक्ट इतना है लेकिन जब क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं इसके प्रोजेक्ट का असेसमेंट करेंगे तो ये गैप काफ़ी कम हो सकता है और इस तरीके से हम अपने जो एनवायरनमेंट एन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं टुडे कैन नॉट लीव विदाउट टेकिंग अप दीज एक्टिविटी फॉर द हिज फूड सिक्योरिटी और अदर नेट साथ में हमें जो हारमोनाइज़ करना होगा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन्वायरमेंटल कंसर्न के साथ जो डिजायरेबल इंश्योर जो डिज़ायरेबल है वो डेवलपमेंट ऑप्शन हमें ढूंढना होगा कंसिडर करना होगा सस्टेनेबल के साथ और जो इन्वायरमेंट कंसिक्वेंस निष्कर्ष आ रहे हैं उसे करेक्टराइज़ करना होगा अर्ली प्रोजेक्ट साइकिल और उसका जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है इन्वामेंट इम्पैक्ट असमेंट जो है ये एक टाइप का टूल है जो अवेलेबल है जो प्लानर्स हैं उनको क्या कहते हैं एक गोल हारमोनाइज़ करना होगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और जो इन्वायरमेंट के साथ ये ई जो है इंटीग्रेट करेगा इन्वायरमेंटल कंसर्न जो हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो सही समय के साथ इनिशिएट करें और कैसे उसको प्रिपेयर करें फेसिबिलिटी रिपोर्ट फेसिबल के साथ और ये जो इंटीग्रेशन हो रही है इन्वामेंटल कंसर्न जो मिटिगेशन है इसके लिए कुछ ना कुछ कहते हैं मिटिगेट करना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हैं और जो प्रिवेंट किया जा सके फ्यूचर जो लाइबलिटीज़ हैं और जो एक्सपेंस हो रहा है ऑल्टरनेशन इन प्रोजेक्ट डिज़ाइन में जो ऑब्जेक्टिव है ई आई ए का ये फोकस करना जो पोटेंशियल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसको जो एराइज़ हो रही हैं उसको प्रपोज जो प्रपोज किए जा रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और जो एड्रेस हो रहा है प्रोजेक्ट प्लानिंग और जो डिज़ाइन स्टेज पर तो ई एम पी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है वो इस तरीके से बनाया जाए कि जो गवर्नमेंट ऑथरिटीज़ हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करें कि जो इम्पैक्ट रहे हैं इशू जो इसके इशू है, हैं जो फार्मूलेट फार्मूलेट करे जा रहे हैं मेटिगेशन के लिए अब जो क्या कहते हैं ई है ये प्लान, प्लानिंग टूल है जो क्या कहते हैं एक्सेप्ट किया जाएगा इंटीग्रल कंपोनेंट है जो डिसीजन मेकिंग का मिनिस्ट इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट जो है सेवरल पॉलिसी इनिशिएटिव लाई है कि इनैक्ट करेगी इन्वायरमेंट और जो पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी जो प्रिवेंट करेंगे जो इनडिसक्रमिनेट हो रहे हैं एक्सप्लाइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रमोट करे इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट कंसर्न जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में साथ में जो इनिशिएटिव है नोटिफिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाइनटीन नाइनटी फोर का अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एट नाइनटीन में जो इंडियन पॉलिसीज़ हैं उनको उनको रिक्वायर रिक्वायर कर रही हैं ईआईए का जो ईआईए है भारत में ये स्टार्ट हुई थी 1976 77 में जब प्लानिंग कमीशन बना उनने पूछा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जामिन करेगी रिवर वैली प्रोजेक्ट जितने बनने हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल एंगल की तरफ से और साथ में ये एक्सटेंड किया जाएगा जो प्रोजेक्ट हैं ये रिक्वायर इनको सभी इन सभी प्रोजेक्ट को एक अप्रूवल लेना पड़ेगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा वो ये लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेचर सपोर्ट है उसके द्वारा होगा गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं इंडिया की वो इनेक्ट करेगी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और फिर अचीव करेगी जो ऑब्जेक्ट हैं इन सभी एक्ट के और जब डिसीजन दिया जाएगा इन डिसीजन दिया जाएगा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट सिक्योरिटी जो ई है ईआईए है जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन जो नंबर ऑफ अदर नोटिफिकेशन या रिलेटेड इन्वामेंटल इम्पैक्ट असमेंट करता है और जो ये लिमिट लगाए स्पेसिफिक ग्राफिकल एरियाज में यह है प्रोहिब, प्रोहिबिट करेगा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो रुकेगा रिलेटेड टू टूरिज्म या फिर एक किलोमीटर फ्रॉम हाईटाइड मार्क जैसे रि, रिवांडा क्रिक जो है देवगढ़ पॉइंट नियर श्रीवर्धन जो वन किलोमीटर है बैंक ऑफ राजपुरी क्रिक इन मुराद जंजीरा इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र जो रेस्ट्रिक्शन है लोकेशन में इंडस्ट्रीज़ की जो माइनिंग ऑपरेशन है रिगार्डिंग अदर एक्टिविटी जैसे दून वैली में 1986 रेगुलेट करेगा एक्टिविटी इन द कोस्टल जो कोस्टल स्टेच हैं ऑफ़ द कंट्री बाय क्लासिफाइंग देम एज कोस्टल रेगुलेशन जोन और प्रोबिट करेगा जो भी एक्टिविटीज़ हो रही नाइनटी नाइनटीन से जो रिस्ट्रिक्शन लोकेशन है इंडस्ट्रीज़ की और जो रेगुलेट करेंगी अदर एक्टिविटी जैसे धनु तालुका जो महाराष्ट्र में नाइनटीन रिस्ट्रिक्शन हैं सर्टन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्पेसिफाई किया जाएगा एरिया को अरावली रेंज इन द गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 1992 जो रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जो लीड करेंगी पॉल्यूशन और जो कंजेशन इन ऑल द एरिया नॉर्थ वेस्ट ऑफ को नुमा अलीगढ़ इन आसाम इस तरीके से जो ए, जो ये साइकिल हैं और जो प्रोसीजर है ई जो प्रोसेस है इंडिया में मेड अप ऑफ फॉलोइंग फेज पहला स्क्रीनिंग होगी स्क्रीनिंग के बाद उसकी स्कोपिंग होगी स्कोपिंग के बाद बेस लाइन डेटा कलेक्शन किया जाएगा इम्पैक्ट प्रोडिक्ट किया जाएगा उसके बाद असेसमेंट होगा कि आल्टरनेटिव या फिर डिलीनेशन मिटिगेशन हो सकता है मेजर्स इन्वामेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के पब्लिक हयरिंग होगी उसके बाद इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होगा डिसीजन मेकिंग होगी और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करी जाएगी क्लियरेंस कंडीशन जो स्क्रीनिंग है स्क्रीनिंग जो है ये डन की जाएगी इसी कि वेदर जो प्रोजेक्ट रिक्वायर है जो प्रोजेक्ट रिक्वायर हो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एज पर द स्टेटरी नोटिफिकेशन जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है वो बेस्ड होगा अपॉन जो स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने स्क्रीनिंग में देखा जाए स्केल ऑफ़ इन्वेस्टमेंट कितना खर्चा हो रहा है टाइप ऑफ डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट और लोकेशन ऑफ डेवलपमेंट तो स्केल टाइप और स्केल टाइप लोकेशन जो प्रोजेक्ट है वो रिक्वायर करेगा स्टेटरी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस होगी ओनली इफ द प्रोविजन ऑफ ई आई ए जो नोटिफिकेशन no है और वन और मोर स्टेटरी नोटिफिकेशन मैंशन इन द बॉक्स वन कवर इट जो स्कोपिंग है फिर स्कोप देखा जाएगा जो स्कोप है ये स्कोप जो है प्रोसेस ऑफ डिटेलिंग द टर्म ऑफ रेफरेंसेज ऑफ ए आई ए और ये जो है डन किया जाएगा कंसोलेटेंट इन कंसोलेशन विद द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड गाइडेंस इफ़ नीडेड अगर फ्रॉम द इम्पैक्ट असमेंट एजेंसी की तरह जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट है ये पब्लिश करेगी सेक्टर वाइज गाइडलाइन और ये आउटलाइन करेगी सिग्निफिकेंट जो इशूज हैं जो हैड टू बी एडेड एड्रस्ड इन दई ए स्टडी जो क्वान्टीफेबल इम्पैक्ट हैं आर टू बी असड ऑन द बेस ऑफ मैग्नीटूड प्रवलेंस फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन एंड नॉन क्वान्टीफेबल इम्पैक्ट जो सिग्निफिकेंस है ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये कॉमनली डिटरमाइंड थ्रू द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आफ्टर द एरिया जब एरिया आफ्टर द एरियाज जो है पॉइंट कर लिए जाएंगे प्रोजेक्ट के तो उनमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो आइडेंटिफाइड और जो बेसलाइन स्टेटस होगा इन सभी को मैंशन किया जाएगा और ये जो लाइकली है चेंज इन दीज एन अकाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन और जो ऑपरेशन है ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट शुड बी प्रडिक्टेड जो बेस लाइन डेटा है ये बेस लाइन डेटा जो है डिस्क्राइब करेगा कि एग्जिस्टिंग जो इन्वायरमेंटल स्टेटस है आइडेंटिफाइड स्टडी एरिया और ये जो साइट स्पेसिफिक प्राइमरी डेटा है ये शुड भी मोनिटर किया जाएगा फॉर आइडेंटिफाइड पैरामीटर्स और जो सप्लीमेंटेड बाय सेकेंडरी डेटा इफ़ अगर वो अवेलेबल होगा उसके बाद ये जो ये जो इम इम्प्लान प्रोडिक्शन होगा कि भैया इम्प्लांट काम्पैक्ट क्या पड़ेगा इससे जो इम्पैक्ट प्रोडिक्शन होगा ये वे है मैपिंगल इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसिस ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ एंड इट्स ऑल्टरनेटिव जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा कैन नेवर बी प्रोडिक्टेड विद एब्सल्यूट सर्टनिटी के साथ दिस इज ऑल्सो द मोर रीजनेबल रीजन टू कंसिडर ऑल द पॉसिबल फैक्टर जो टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशन फॉर रिड्यूसिंग एंड agree a degree of uncertainty दो द फॉलोइंग जो इम्पैक्ट होंगे प्रोजेक्ट के वो शुड भी असेस्ड अब देखा जाएगा कि उसका इम्पैक्ट एयर पर क्या पड़ेगा जो चेंज होगा इम्पैक्ट लेवल और जो ग्राउंड लेवल कंसनट्रेशन ड्यू टू द टोटल एमीशन फ्राम द पॉइंट लाइन और एरिया सोर्स इफेक्ट सॉयल और मटेरियल वेजिटेशन और ह्यूमन हेल्थ पे फिर नॉइज़ देखा जाएगा कि चेंज इन द इम्पेक्ट लेवल जिससे नॉइज जो है जनरेट होगी इक्विपमेंट से अब मूवमेंट ऑफ वहीकल से जो इफेक्ट है फ्लोरा और फोना पे क्या होगा हेल्थ पे वाटर जो अवेलेबिलिटी है कंपीटिंग यूजर्स के लिए चेंज इन द क्वालिटी और जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनसेस और जो सलाइन वाटर है फिर देखा जाएगा लैंड पे लैंड चेंज इन लैंड यूज और जो ड्रेनेज पैटर्न है जो चेंज होगा लैंड क्वालिटी जो इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ वेस्ट एंड डिस्पोजल जो चेंज इन द शोर लाइन रिवर बैंक और जो उससे स्टेबिलिटी है उसके बाद बायोलॉजिकल देखा जाएगा कि जो डिफॉरेस्टेशन जो ट्री कट करने के बाद जो श्रिंकेज होगी एनिमल हैबिटाट की जो इम्पैक्ट होगा ऑन फ्लोरा एंड फोना ड्यू टू द कंटामिनेंट पॉल्यूटेंट्स कंटामिनेंट पॉल्यू पॉल्यूटेंट्स की वजह से तो ये भी देखा जाएगा उसके बाद जो इंपैक्ट है ऑन रेयर और जो इन डेंजर्ड स्पीशीज़ हैं एंडेमिक और जो जो इम्पैक्ट है रेयर या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है एंडेमिक स्पीशीज़ और जो माइग्रेटरी पाथ रूट हैं इन पे देखा जाएगा इम्पैक्ट ऑन द ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग ग्राउंड पे जो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट इम्पैक्ट जो है लोकल कम्यूनिटी का इंक्लूडिंग जो डेमोग्राफिक चेंज है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेटस जो ये इम्पैक्ट क्या डालेगा ह्यूमन हेल्थ पे या फिर इंक्रीज ट्रैफिक पे इन सभी के बाद जो असेसमेंट है ऑल्टरनेटिव डिलीनेशन ऑफ द मिटिगेशन मेजर्स और जो इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार होगी फॉर एवरी प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट हैं पॉसिबल जो ऑल्टरनेटिव होंगे वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे इन्वायरमेंटल एल्ट्रीब्यूट फिर कंपेयर किया जाएगा और जाएगाटिव कवर बोथ प्रोजेक्ट लोकेशन और जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी के साथ फिर उसके बाद वो नो कंसिडर किया जाएगा नो प्रोजेक्ट ऑप्शन ऑल्सो अगर वो को, कोई ऑप्शन नहीं है तब क्या कहते हैं शुड देन बी रैंक फॉर सेलेक्शन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंटल ऑप्शन फॉर ऑप्टिमम इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज कम्युनिटी का बेनिफिट कितना मैक्सिमम हो सकता है उसको ध्यान में रखा जाएगा उसके बाद एक बार जो ऑल्टरनेटिव व्यू हो जाएगा तो मिटिगेशन प्लान जो है ये ड्रॉ कर अप किया जाएगा सेलेक्टेड ऑप्शन की ये जो सप्लीमेंटेड है विद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो गाइड करेगा प्रोपोरेंट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट जो ई है ये क्रूशियल इनपुट जो लाएगा मॉनिटरिंग करेगा क्लियरेंस कंडीशन और उसके बाद ये डिटेल डिटेल करेगा ऑफ मॉनिटर शुड बी इंक्लूडेड इन ई जो ई रिपोर्ट है ये प्रोवाइड करेगी क्लियर इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर्स के लिए ऑन द डिफरेंट इन्वायरमेंटल सिनेरियो विदाउट द प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट और विद प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव अनसर्टनेटिव है शुड बी क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द ई आई ए रिपोर्ट पब्लिक हेयरिंग फिर पब्लिक हेयरिंग होगी लॉ जो रिक्वायर होंगे पब्लिक मस्ट बी इंफॉर्म्ड और जो कंसलटेड ऑन द प्रपोज डेवलपमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ई आई ए रिपोर्ट एनी वन लाइकली टू बी एफेक्टेड बाई द अपोज प्रोजेक्ट इन इज इंटाइट टू हैव एक्सेस टू द एग्क्यूटिव समरी ऑफ द ई आई ए जो इफेक्ट करेगी पर्सन में इंक्लूड जिसमें बोनाफाइड लोकल रेजिडेंट होंगे लोकल एसोसिएशन होंगे और जो एनवायरमेंट एनवायरमेंटल ग्रुप्स होंगे जो एक्टिव इन द एरिया एनी अदर जो पर्सन लोकेटेड एट द प्रोजेक्ट साइड साइट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ये सब देखे जाएंगे और इस तरीके से जो ये अपॉर्चुनिटी है ये मेकल ओरल और रिटर्न जो सजेशन होंगे टू द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब एनवायरनमेंट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान जो शुड है इंक्लूड इसमें क्या क्या डी लीनियशन ऑफ मिटिगेशन और जो कंपनसेशन मेजर्स हैं फॉर ऑल आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डीलिएशन जो है अन मिटिगेटेड इम्पैक्ट जो फिजिकल प्लानिंग है जो फिज़िकल प्लानिंग है इंक्लूडिंग वर्क प्रोग्राम लाइन शेड्यूल और जो लोकेशन है पुटिंग मिटिगेशन और जो कंपेंसेशन सिस्टम है उस प्लेस का डिलनीशन करा जाएगा फाइनेंशियल प्लान जो इम्प्लीमेंट करा जा रहा है मिटिगेशन मेजर्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ बजटरी एस्टिमेट और डिमोन्स्ट्रेशन होगी इस सभी इंक्लूड किया जाएगा जो प्रोजेक्ट बजट है डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो कंसोलेट करेगा बिटवीन प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट और जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट असमेंट ऑथरिटी है जो डिसीजन है ऑन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पे वो अराइव्ड होगी फ्रॉम नंबर ऑफ स्टेप जब इंक्लूडिंग इवोल्यूशन ऑफ ई आई ए और ई एम पी ए मोनीटर किया जाएगा जो क्लियर कंडीशन हैं मोनीटर जो होगी वो डन ड्यूरिंग बोथ कंस्ट्रक्शन और जो ऑपरेशन फेजेस होंगे प्रोजेक्ट के नॉट ओनली टू इंश्योर करेगा कि कमिटमेंट जो है वो कंपाइल करेगा बट सारे जो ऑब्ज़र्व जो भी प्रडिक्शन की जा सकती हैं ई आई ए रिपोर्ट में वो करेक्ट और नॉट और जो इम्पैक्ट होंगे एक्सीड द प्रडिक्टेड लेवल से अगर जाते हैं तो करेक्टिव एक्शन उनको लेना होगा मॉनिटरिंग करना होगा विल इनेबल द रेगुलेटरी एजेंसी टू रिव्यू करना होगा वैलिडिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन और एंड द कंडीशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान साथ में ये जो से, सेलिन फीचर ऑफ टू थाउजेंड सिक्स अमेंडमेंट की हैं इन ई आई ए जो है नोटिफिकेशन दो हज़ार छः का ये डिसेंट्रलाइज करता है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट है ये कैटेगराइज करी जाएगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन टू कैटेगरीज ग्रुप ए और ग्रुप बी ग्रुप ए जो प्रोजेक्ट होंगे एफरेजल करेंगे नेशनल लेवल पे बाय इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी और जो एक्सपर्ट एफरेजल कमेटी होगी एक्सपर्ट एफ, एफरेजल कमेटी ई ए सी और दूसरी होगी आई आई इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी और ग्रुप बी में प्रोजेक्ट जो होंगे फ्रेस करे जाएंगे स्टेट लेवल पे तो स्टेट ए ग्रुप और बी ग्रुप ए पे आई ए और ई ए सी और बी जो होगा स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असमेंट अथॉरिटी होगी वो एस ई आई ए होगी और स्टेट लेवल एक्सपर्ट एफरेजल कमेटी जो होगी वो ई एस ई ए होगी ये कंस्टिट्यूट करेगी प्रोवाइड क्लियरेंस टू कैटेगरी बी प्रोसेस आफ्टर 2006 जो इन जो अमेंडमेंट किया गया ई ए साइकिल में कंप्राइज़ फोर स्टेज पहला उसमें एस एस पी एस एस पी स्क्रीनिंग स्कोपिंग हेयरिंग, पब्लिक हेयरिंग आ गई इसमें नया अप्रेजल कमेटी ग्रुप ए जो प्रोजेक्ट है रिक्वायर करेगा मैंडेटरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस और इसके साथ डू नॉट अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस बी जो है प्रोजेक्ट वो अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस और ये जो है क्लासिफाइड गया है टू ग्रुप में एक बी वन बी टू बी वन जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगा ए आई ए और बी टू जो होगा वो डू नॉट रिक्वायर अब जो कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट हैं और जो कैटेगरी बी वन वाले प्रोजेक्ट हैं ये अंडरगो कंप्लीट ई आई ए प्रोसेस वेयर एज बी टू प्रोजेक्ट जो है एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम ई आई ए ऑफ ई आई ए जो डिफरेंस बिटवीन कंप्रिहेंसिव ई आई ए और जो रैपिड ई आई ए है ये टाइम स्केल और डेटा सप्लाई किया गया है जो रैपिड ई आई ए है ये स्पीडर फ्रेजल प्रोसेस है वाइल्ड बोथ जो टाइप या ये रिक्वायर्ड इंक्लूजन और जो कवरेज होगी ऑल सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और उसके मिटिगेशन के जो रेपिड ई आई ए अचीव कर रहा है दे थ्रू द कलेक्शन ऑफ वन सीजन डेटा जो है ओनली रिड्यूस करेगा टाइम रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड जो कंप्रेसिव ई आई ए कलेक्ट करेगा डेटा फॉर ऑल फोर रीजन जो रेपिड ई आई ए है एक्सेप्टेबल होगा इफ़ इट डज़ नॉट कम्प्राइज ऑन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो रिव्यू है रेपिड ई आई ए सबमिशन विल शो की वेदर द कम्प्रेहेंसिव ई जो है वो वॉन्टेड और नॉट देयर फोर क्लियर करना पड़ेगा सबमिशन और प्रोफेशनली जो प्रिपेयर कंप्रेसिव ई जो है फर्स्ट इंस्टेंस में और इसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि जनरली मोर एफिशिएंट अप्रोच है कि नहीं डिपेंडिंग ऑन नेचर लोकेशन और जो स्केल है प्रोजेक्ट का ई जो है रिपोर्ट करेगा वो कंटेन ऑल द सम ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग कंपोनेंट जिसमें एयर इन्वायरमेंट पहले आएगा डिटरमाइन करना होगा कि इम्पैक्ट जो, जो जोन है और जो डेवलपिंग है मॉनिटरिंग नेटवर्क मॉनिटरिंग और जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है कि एम्बीडेंट एयर क्वालिटी जो है विद इन इंपैक्ट रीजन में है कि नहीं प्रपोज प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है सात किलोमीटर फ्रॉम पेरीफेरी जो मॉनिटरिंग साइट स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल डेटा जो है और उस विंड स्पीड और जो डायरेक्शन ह्यूमिडिटी एम्बीडेंट टेम्परेचर सारी चीज़ें देखी जाएंगी इन्वायरमेंटल लैब सेट क्या होगा एस्टिमेशन किया जाएगा कि जो क्वालिटी है एयर एमिशन की इंक्लूडिंग जो फ्रिजरेटिव खराब एमिशन जो होगा प्रपोज प्रोजेक्ट की वजह से आइडेंटिफाई किया जाएगा क्वालिफिकेशन और जो इवोल्यूशन किया जाएगा अदर पोटेंशियल एमिशन जो क्या कहते हैं चाहे वो ट्रैफिक वर्नाकुलर ट्रैफिक हो चाहे इम्पैक्ट वोजोन हो एस्टैब्लिश किया जाए एक्यूमलेटिव ऑफ ऑल इस एमिशन इम्पैक्ट और जो प्रोडिक्शन होगा सभी चेंजेस का एम्बियंट एयर क्वालिटी ड्यू टू पॉइंट लाइन और एरियाज जो सोर्स एमिशन थ्रो अप्रोप्रिएट एयर एयर क्वालिटी मॉडल्स एवोल्यूशन होगा एडिक्वेसी का और प्रपोज्ड पॉल्यूशन कंट्रोल जो डिवाइज होंगी जो मीट गैसियस एमिशन और जो एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा और डिलीनिएशन किया जाएगा मिटिगेशन और जो मेजर्स हैं एट सोर्स पाथवे और रिसेप्टर जो नॉइज नॉइज इन्वायरमेंट है मॉनिटर किया जाएगा प्रेजेंट जो स्टेटस है नॉइस लेवल का विद इन द इम्पैक्ट जोन और प्रोडिक्शन जो होगा फ्यूचर नॉइज लेवल का जो रिजल्ट करेगा फ्रॉम प्रपोजल प्रोजेक्ट और जो रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी इंक्लूडिंग इंक्रीज इन वैल्यूकुलर मूवमेंट और जो आइडेंटिफिकेशन हो, होगा ऑफ इम्पैक्ट ड्यू टू मैनी एंटिसिपेटेड राइज इन नॉइज लेवल ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट रिकमेंडेशन जो होगी मिटेशन की मेजर करेगी नॉइज़ पॉल्यूशन का जो वाटर वाटर एनवायरनमेंट है वाटर स्टडी करेगी एग्जिस्टिंग जो ग्राउंड है सरफेस वाटर रिसोर्सेज और ये विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी जो क्वालिटी है विद इन द इम्पैक्ट जोन ऑफ प्रपोज प्रपोज प्रोजेक्ट जो प्रोडिक्शन है इम्पैक्ट का वो वाटर रिसोर्सेज का ड्यू टू जो प्रपोज्ड वाटर यूज़ हो रहा है जो पम्पिंग हो रही ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट और जो क्वान हो रहा है जो करेक्टरिस्टिक्ड जो पॉल्यूशन or प्रवेंशन और, और जो वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट सिस्टम है और सजेशन लिए जाएंगे ऑन मॉडिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड होगी प्रोडिक्शन जो होगा इंपैक्ट और उसके एफिशेंट जो डिस्चार्ज होंगे क्वालिटी ऑफ जो प्रोसीविंग वाटर होगा बॉडी यूजिंग अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल और मैथमेटिकल और साइमल्टेनियस मॉडल असेसमेंट किया जाएगा जो फिजिबिलिटी है वाटर की रिसाइकलिंग करने के बाद और यू री और डिलिनेशन के बाद डिटेल प्लान सभी के बारे में जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट सर्वे जो होगा फ्लोरा ऑफ फोना क्लियरली डिलेटेड सीजन और जो सर्वे ड्यूरेशन जो असेसमेंट है फ्लोरा और फोना पर प्रजेंट करेगा विद इन द इम्पैक्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोजेक्ट जो असेसमेंट है पोटेंशियल डैमेज जो होगा टेस्टियल चाहे क्वेटिक फ्लोरा फोना का ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ एफेंट या फिर जो गैसेस एमिशन हो रहा है फ्रॉम प्रोजेक्ट ये जो असेसमेंट करेगा कि डैमेज जो हो रहा है ट्रेस्ट ट्रेस्ट टेरेस्ट्रियल फ्लोरा और जो फोना ड्यू टू एयर पोल्यूशन जो लैंड यूज़ हो रहा है लैंडस्केप चेंज जो असमेंट है डैमेज टू एक्वेटिक और जो मेरीन फ्लोरा और जो फोना है ड्यू टू द फिजिकल डिस्टर्बेंस और ऑल्टरनेशन जो प्रोडिक्शन तो हो रहा है बायोलॉजिकल स्टेट स्ट्रेस विद इन द इम्पैक्ट जोन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट जो डिलीनियेशन हो रहा है मिट्टीशन का मेजर टू प्रवेंट एंड रिड्यूज द डैमेज लैंड इन्वायरमेंट जो स्टडी होगी सॉइल करेक्टरिस्टिक एक्जिस्टिंग जो लैंड यूज़ है और जो टोपोग्राफी है जो लैंड स्केल और जो ड्रेनेज पैटर्न है विद इन द इम्पैक्ट जोन जो एस्टिमेशन होगा ऑन द प्रोजेक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द लैंड यूज लैंड स्केप टोपोग्राफी जो ड्रेनेज और हाइड्रोलॉ हाइड्रोलॉजी आइडेंटिफिकेशन ऑन द पोटेंशियल पोटेंशियल यूटिलिटी ऑफ द ट्रीटेड एफ्लूसेंट इन द लैंड अप्लीकेशन एंड द सबसिक्वेंट इम्पैक्ट जो एस्टिमेशन है जो करेक्टराइजेशन है सॉलिड वेस्ट का और जो डिलिमिनेशन है मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट और जो इन्वायरमेंटल कॉम्पेटिबल डिस्पोजल हैं सोशो इकोनॉमिक और हेल्थ इन्वामेंट भी देखी जाएगी कि जो कलेक्शन हो रहा है डेमोग्राफिक और जो रिलेटेड सोशो इकोनॉमिक डेटा कलेक्शन ऑफ एपिर एपीडीम्योलॉजिकल डेटा इंक्लूडिंग स्टडी ऑन प्रोमेंट एपी एपीडमिक इन डिसीजेज जैसे फ्लोरोसिस हो गया मलेरिया फाइलेरिया मल न्यूट्रीशन मोबिलिटी देखी जाएगी रेट जो पॉपुलेशन विद इन इम्पेक्ट जोन में आ रही है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो एंटिसिपेट कराया जाएगा चेंज जो सोशो इकोनॉमिक हेल्थ या फिर प्रोजेक्ट जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं इंक्लूडिंग चाहे वो ट्रैफिक कंजेशन हो चाहे मेजर्स मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट और असेसमेंट जो है इम्पैक्ट क्या डाल रहा है सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल कल्चर या फिर आर्कोलॉजिकल साइट प्लेसेस पे असेसमेंट इकोनॉमिक बेनिफिट और राइजिंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट असमेंट किया जाएगा रिहेबिलटेशन रिक्वायरमेंट अगर विद स्पेशल इन्फेस जो शेड्यूल एरियाज शेड्यूल एरियाज में होगा इफ़ एनी रिस्क असमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो हजारडस इन आइडेंटिफिकेशन टेकिंग कोर्स टू हजार जो इंडिस हैं इनटिंग एनालिस डैम ब्रेक प्रॉबल्टी नेचुरल जो हैजार्ड्स प्रॉबर्टी है मिनिमम जो क्रेडिबल एक्सीडेंट हैं एनालाइज करना होगा आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड एंड जो कंसिक्वेंस एनालिसिस होगा फेल्योर का और जो एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन फायर एक्सप्लोजन हैजार्डस सेंस रिलीज जो होगा डैम ब्रेक का हैजार्डस और ओपरेबिलिटी होगी स्टडीज़ की जो असमेंट होगा रिस्क का ऑन द बेसिस ऑफ द अबव देशन जो प्रप्रेशन होगी ऑफ एन ऑन साइट और जो ऑफ साइट डिटेंस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है इन्वामेंट मैनेजमेंट प्लान जो डी डी होगा मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूडिंग चाहे वो प्रिवेंशन हो या कंट्रोल फॉर ईच इन्वायरमेंटल और एंड जो रिहेबिलिटेशन या फिर रिसेटलमेंट प्लान है डीलिनीशन ऑफ मॉनिटरिंग स्कीम फॉर कंप्लाइंस ऑफ कंडीशन जो डीलिनीशन हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन प्लान इंक्लूडिंग चाहे शेड्यूलिंग और चाहे रिसोर्स एलोकेशन हो जो कि एलिमेंट्स हैं इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड स्कोपिंग जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो कंसिडर करना होगा रियलाइजेशन की जो प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस की जाए इन सेक्टोरल गाइडलाइंस जो पब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट फॉर टाइम टू टाइम और जो जो इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही लिस्ट प्रोवाइड किया जाए रिव्यू करने के लिए सभी इंफॉर्मेशन नेसेसरी जो एनेबल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग और स्कोपिंग पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है मस्ट बी कवर्ड विन आईपीडी इंक्लूड जिसमें लोकेशन करंट और लैंड यूज विद द काउंटर या फिर चाहे वो कन्फार्मर्स हों और बाद डेवलपमेंट प्लान प्रोड्यूस्ड फॉर दैट जो डिटेल प्रपोज प्रोजेक्ट है एक्टिविटी उसकी इंक्लूड की जाएगी प्रोजेक्ट कॉस्ट पर आउटलाइन किया जाएगा जो की प्रोजेक्ट एलिमेंट है ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन और जो कंस्ट्रक्शन है और जो ऑपरेशन फेज पे एज एज पर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद द कोशन जो आईपीडी ये मे आल्सो इंक्लूड चाहे ऑफ साइट एक्टिविटी हो चाहे एसोसिएटेड एक्टिविटी हो और चाहे एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स एक्टिविटी प्रोजेक्ट जो एक्टिविटी है पी चार्ट और जो प्रोसेस है एज फ्लो चार्ट डिलेटिंग करेगा यूनिट प्रोसेस विद इनपुट आउटपुट जो वर्ल्ड जो ये वुड फेसिलेट करेगा रिव्यू टास्क और जो प्रोजेक्ट है प्रोपोनेंट आफ्टर सुटेबल जो स्कोपिंग होगी शुड प्रोवाइड करेगा इन्वामेंटल इंफॉर्मेशन और जो कंसलेशन इन डिटेल ई आई ए और रिवाइवर जो होगा एस एस द रिपोर्ट शुड फोकस ऑन द क्रूशियल आस्पेक्ट इन्वॉल्विंग प्रोजेक्ट लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रोजेक्ट लोकेशन जो होंगी जो साइट सेलेक्शन किया जाएगा इफेक्टिव अप्रोच जो होगी मिनिमाइजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिटिगेशन मेजर्स और जो प्रपोज प्रोजेक्ट है लोकेशन ये भी देखिए रिव्यू, रिव्यू की जाएगी बेस्ड अपॉन द रेगुलरिटी और जो नॉन रेगुलरिटी क्राइटेरिया है जो प्रोजेक्ट ये रेस्ट्रिक्शन लगाएगा डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो सेंसिटिविटी होगी वो भी क्या कहते हैं एसेस करी जाएगी कि रिलेशन में कि जो प्रॉक्सिमिटी होगी प्रोजेक्ट की उस प्लेस और जो साइट है उसके आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन या फिर जो नोटिफाई किया गया है जो साइटिंग क्राइटीरिया डिलीनाइट कराया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ इसमें पहला है कि एज़ फार एज़ पॉसिबल जितना प्राइम एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट या लैंड जो नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल साइड दूसरा जो लैंड एक्वायर्ड एक्वायर्ड करी जाएगी शुड बी मिनिमम बट सोफेन्ट हो जो प्रोवाइड ग्रीन बेल्ट और क्या कहते हैं ट्रीटेड वेस्ट वाटर अगर कोई पॉसिबल सुइटेबल हो जो यूटिलाइज कर सके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को इस तरीके से ये चौथा तीसरा जो इनफ स्पेस प्रोवाइड करना होगा स्टोरिंग सॉलिड वेस्ट और जो स्पेस और जो वेस्ट है शुड अवेलेबल फॉर फॉर पॉसिबल री यूज इन फ्यूचर चौथा लेआउट करना होगा फॉर्म और जो प्रोजेक्ट है मस्ट कन्फर्म टू द लैंडस्केप ऑफ द एरिया विदाउट अन डू एफेक्टिंग द स्क्रेनिक फीचर ऑफ दैट प्लेस एसोसिएटेड टाउनशिप ऑफ द प्रोजेक्ट इफ़ एनी बी क्रिएटेड मस्ट प्रोवाइड जो फॉर स्पेस फॉर फाइटोग्राफिक बैरियर बिटवीन द प्रोजेक्ट और जो टाउनशिप शुड टेक इंटू अकाउंट प्रीडोमेंट वाइंड डायरेक्शन इन एडिशन जो फॉलोइंग डिस्टेंस शुड बी कंटेंट कोस्टल एरिया एटलीस्ट हाफ किलोमीटर हाई टाइड लाइन जो है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए एक्टिव एज पर सी आर जेड नोटिफिकेशन नाइनटीन नाइनटी वन के हिसाब से और जो एस हैं उसके लिए दो हज़ार मीटर फ्रॉम द एसटरी बाउंड्रीज और जो प्लेन फ्लड प्लेन है जो रिवर लाइन सिस्टम है उसमें 500 सौ मीटर फ्रॉम द फ्लड प्लेन मॉडिफाइड फ्लड प्लेन और या फिर फ्लड कंट्रोल सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है एटलीस्ट पाँच सौ मीटर फ्रॉम द हाईवे और रेलवेज या फिर मेजर सेटलमेंट जो है एटलीस्ट पच्चीस किलोमीटर फ्रॉम द प्रोजेक्ट बाउंड ग्रोथ प्रोजेक्टेड ग्रोथ बाउंड्री ऑफ़ द सेटलमेंट इसके साथ जो एक्ट साइटिंग क्राइटेरिया है लिस्ट करना पड़ेगा जो प्रपोज प्रोजेक्ट है लोकेशन वो भी रिव्यू करनी पड़ेगी इन रिलेशन टू द फॉलोइंग सैलेंट इशूज़ जैसे एम्बियंट एयर वाटर और नॉइज़ क्वालिटी है जो स्टैंडर्ड क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज जो हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर पॉन एरियाज जो है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ जो अवेलेबलिटी है वाटर की और जो अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे इलेक्ट्रिसिटी रोड एडुकेट वेथ और जो कैपेसिटी हो उस सब को देखना पड़ेगा उसके बाद हमें प्रोसीजर प्रोसीजर जो है फॉर पब्लिक हेयरिंग जो प्रोसीजर है पब्लिक हियरिंग का जिसमें सभी अप्लाई करना होगा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा कंसर्न इस्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस फॉर पब्लिक हयरिंग और फिर ये जो नोटिस है पब्लिक हयरिंग के लिए लगाई जाएगी जिसमें पब्लिक पब्लिश की जाएगी एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर में और ये सर्कुलेट की जाएगी रीजनल रीजन अराउंड द प्रोजेक्ट और इसमें से जितने भी वर्नकुलर लैंग्वेज में है कंसर्न स्टेट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है मेंशन करेगा डेट और टाइम प्लेस और कहाँ पे पब्लिक हेयरिंग सजेशन जो होंगे व्यूज़ जो होंगे कमेंट ऑब्जेक्शन जो पब्लिक से भी लिए जाएंगे और इस तरीके से ऑल जो पर्सन हैं इंक्लूडिंग बोनाफाइड रेसिडेंट जो इन्वायरमेंटल ग्रुप हैं अदर लोकेटेड प्रोजेक्ट साइट जो डिसप्लेसमेंट करेंगे और जो अफेक्टेड होंगे पार्ट पार्टिसिपेंट उन सब की पब्लिक हेयरिंग ली जाएगी और उसके बाद एक ओरल रिटर्न सजेशन होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा और उसके बाद कंपोज कंपोजिशन होगा पब्लिक हियरिंग पैनल के द्वारा और कंपोजिशन में पब्लिक हयरिंग पैनल में कंसिस्ट करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर जो होंगे कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हिज नॉमिनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो डीलिंग करेंगे विद द सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डीलिंग विद द इन्वायरमेंट और नॉट मोर देन थ्री रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए लोकल बॉडीज़ के सचेज मुंसिपल म्यूनसिपलिटी या फिर पंचायत के इस तरीके से नॉट मोर देन थ्री सीनियर सिटीजन ऑफ द एरिया नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट है इन इंडियन सिस्टम बैकवर्ड बैक ड्रॉबैक और जो रिकमेंडेशन है ड्रॉबैक जो अपलिकबिलिटी है जो ये सारे सेवरल प्रोजेक्ट हैं सिग्निफिकेंट इन्वायमेंटल इम्पैक्ट जो कहते हैं नोटिफिकेशन आइडर बिकॉज जो नॉट लिस्टेड है शेड्यूल वन में और इन्वेस्टमेंट जो है लेस दैन दट इज प्रोवाइडेड फॉर द नोटिफिकेशन कंपोजिशन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑफ स्टैंडर्ड ये जो है टीम ये फॉर्म कंडक्ट होनी चाहिए जो ई आई ए है लैकिंग द एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड और उनके उनके जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट होने चाहिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होने चाहिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट होने चाहिए और लैक ऑफ एग्जॉस्टिव इकोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर फॉर इम्पैक्ट असमेंट जो पब्लिक हयरिंग होगी उसमें कमेंट नॉट टेकन इं टू अकाउंट एट द अर्ली स्टेज बाद में लीड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लेटर स्टेज में प्रोजेक्ट क्लियरेंस के बाद और नंबर ऑफ जो प्रोजेक्ट हैं सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल और जो सोशल इम्पेक्ट हैं वो एक्सक्लूड फ्राम द मैनडेटरी पब्लिक हेयरिंग और जो डॉक्यूमेंट हैं वो कहते हैं पब्लिक और इंटाइट आर सेल्डम अवेलेबल ऑन टाइम जो डेटा कलेक्ट कलेक्टर्स हैं डू नॉट पे रिस्पेक्ट टू द इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ लोकल पीपल क्वालिटी जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न होगा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ ई आई रिपोर्ट और जो बींग कैरीड आउट जो रिपोर्ट्स होंगी वो जनरली कंप्लीट होंगी और प्रोवाइड करेंगी फॉल्स डेटा जो ई आई ए रिपोर्ट है इग्नोर करेगी सेवरल आस्पेक्ट वाइल जो कैरिंग आउट असेसमेंट एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड टूमिटेड मैनी ई आई ए जो रिपोर्ट हैं बेस्ड ऑन द सिंगल डेटा सिंगल 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 सीजनल डेटा और जो नॉट एडिक्ड टू डिटरमाइन वेदर जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है शुड बी ग्रांटेड ऑल ये जो मेक करेगी इंटायर एक्सरसाइज कॉन्ट्रेक्टी टू द इंटेंट ऑल थिंग्स जो हैं स्टैंड टूडे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट पेंट टू कमीशन जो प्रिपेयर करेगा ई आई ए प्रोजेक्ट और एक्चुअली फंडेड बाय द एजेंसी इंडिविजुअल जो क्या कहते हैं प्राइमरी इंटरेस्ट रखती है इस कहते प्रो क्लियरेंस में फॉर द प्रोजेक्ट प्रपोज और ये जो है लिटिल चांस होगा फाइनल असेसमेंट जो प्रेजेंट किया जाएगा बाय अनबायस्ड होना चाहिए इवन दो जो कंसल्ट हैं वो प्रोवाइड करें अनबायस्ड असेसमेंट और जो क्रिटिकल प्रपोज किया जाएगा प्रोजेक्ट लेकिन कुछ समय के लिए ये जो है कंसोलेट्री वर्किंग कंसोलेटरी वर्किंग कमेटी के पास भेजना चाहिए जो प्रोजेक्ट को नो स्पेशाइज कंसर्न सब्जेक्ट और इस तरीके से जो प्रिपेयर किया जाएगा ई आई ए रिपोर्ट ये प्रपोज करेगा ऑयल एक्सप्लोरेशन इन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा चाहे रिलायंस ग्रुप हो वो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बहरामपुर यूनिवर्सिटी जो एक्सपर्टाइज ऑन द स्टडी टर्टल और उनके लाइफ साइकिल ई आई ए अकाउंट जो है वो एक सेल्फ क्या कहते हैं बल्कि है और टेक्निकल जो मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू डिपेयर करेगा एड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फ्रोन ई आई ए जो स्टडीज़ हैं वो इनमस डेटा जो है वो यूज़ किया जा रहा है सम फैक्ट जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं टू टोटली जो डिफरेंट प्लेसेस पे और ये ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रलाइज बेस लाइन डेटा और बहुत सारे ऐसे डेटा क्रॉस चेक करे जाएंगे और नो एक्रिएशन ई आई ए कंसल्टेंट होगा देयर फॉर जो एनी सच कंसलटेंट विद रिकॉर्ड जो होगा फ्लूसेंट केसेस कैन नॉट बी लाइबल फॉर जो हार्ड टू इमेजिन एनी कंसोलेंट आफ्टर बीइंग पेड लैक ऑफ रुपी प्रिपेयरिंग फॉर द रिपोर्ट और द प्रोजेक्ट कंपोनेंट और इंडिकेटिंग द प्रोजेक्ट इज नॉट वाइबल इन मैनी केसेज जो कंसोलेंट हैं ट्राई टू इंटरप्रिट टेलर और जो इंफॉर्मेशन लुकिंग फॉर द वे और मीन्स जो प्रोवाइड करें क्लाइंट को रिपोर्ट दैट गिव दैम मनी वर्थ मॉनिटरिंग कंप्लाइंस और इंस्टीट्यू इंस्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अब जो ऑफेंड मोर मोर या स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट है ये ईएमपी जो है हमेशा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू है उसको साफ होना चाहिए डिटेल जो रिगार्डिंग है एफेक्टनेस और जो इम्प्लीमेंटेशन मिटिगेन मेजर्स हैं उसको भी नॉट प्रोवाइडेड जो इमरजेंसी प्रपेयरनेस प्लान है उसको नॉट डिस्कस इन दोफिशेंट डिटेल और जो इन्फॉर्मेशन है नॉट डिसमेटेड टू कमी रिकमेंडेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ई और अथॉरिटी होनी चाहिए सेक्टर वाइज या ये नीडेड क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेस्क और जो क्रिएशन होनी चाहिए सेंट्रलाइज्ड बेसलाइन डेटा डी सेमिनेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट फॉर नोटिफिकेशन टू क्लियरेंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक एप्लीकेबिलिटी ऑल ये जो प्रोजेक्ट हैं ये लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट और जो ऑल्टरनेशन है इन इकोसिस्टम का नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होनी चाहिए विदाउट एक्सेप्शन नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी वो परमिट होनी चाहिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो पब्लिक हेयरिंग है वो शुड भी एप्लीकेबल होनी चाहिए सभी के लिए कैटेगरी प्रोजेक्ट और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है क्वालिटी जो है फोकस होना चाहिए ये नीड टू शिफ्ट द फॉर यूटिलाइजेशन और जो एक्सप्लाइटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंजर्व करें नेचुरल रिसोर्सेज का प्रेजेंट ई आई ए जो रिपोर्ट है एक्सट्रीमली वीक है और ये, ये जब क्या कहते हैं असेसमेंट होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या प्रोजेक्ट जो कंसिक्वेंट मांगता है जो गैप नीड जो कैप होता है स्पेसिफिक गाइडलाइन थ्रो नेसेसरी अमेंडमेंट जो चेक लिस्ट होनी चाहिए जो इंक्लूड करे इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर बायोडावर्सिटी बायोडावर्सिटी बायोडाइवर्सिटी और बायोडावर्सिटी रिलेटेड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो इतने ईआई रिपोर्ट हैं शुड क्लियरली स्टेट और एडवर्स इम्पैक्ट जो प्रपोज़ किए गए प्रोजेक्ट के वो सभी ये जो है सेपरेट चैप्टर और नॉट हिडन विद इन टेक्निकल डिटेल जो सब कंपोनेंट हैं सब्सिडी रिपोर्ट के ई ये री रिपोर्ट करने चाहिए और इसके लिए पब्लिकली एसेसिबल होना चाहिए स्टैंड अलोन एलोन रिपोर्ट विद ईआईए और ये शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और असेसमेंट ईआईए जो है बेस्ड होगा फुल स्टडी और जो कैरीड आउट होगी ओवर लास्ट वन ईयर और ये जो सिंगल डेट सिंगल सीजन डेटा इन्वायरमेंटल पैरामीटर एंड बायोडाइवर्सिटी के और जो सेपरेट रेपिड असेसमेंट इन सभी को नॉट एडिक्ड जो अंडर अंडरस्टैंडिंग फुल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज सब्जेक्ट ये जो क्रिटिकल क्रिटिकल uh, होगा कि जो प्रपरेशन हो रही है ई आई ए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए प्रोजेक्ट प्रोपरेंट और एक ऑप्शन जो होना चाहिए इन सभी के लिए वो क्रिएशन होनी चाहिए सेंट्रल फंड जो ई आई ए के लिए जो कंटेंट करेगा फी डिपॉजिट बाय द प्रोजेक्ट प्रोपरेंट जो वाइल्ड सिकिंग द ई आई ए डन फॉर प्रपोज सब प्रोजेक्ट के लिए जो स्टेट है उसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये मैंटेन करेगी लिस्ट क्रेडिबल इंडिपेंडेंट और कंपिटेंट एजेंसी जो कैरी करेगी ई आई ए और उसी तरह ई आई ए जो है कंसोलेंट होनी चाहिए जो मेकिंग फॉल्स रिपोर्ट अगर तैयार करते हैं बैक लिस्टेड जो नेशनल लेवल एक्रीडेशन है इन्वामेंट कंसोलेटिंग उसे भी अडॉप्ट करना चाहिए ग्रांड करना चाहिए क्लियरेंस नोटिफिकेशन जो नीड है वो क्लियर होनी चाहिए जब प्रोविजन जो है साइड क्लियरेंस नॉट इम्प्लाई एनी कमिटमेंट ऑन एनी पार्ट ऑफ द इम्पैक्ट एजेंसी जो ग्रांट फुल इन्वामेंटल क्लियरेंस जो प्रायर इंफॉर्मेशन है कंसेंट होनी चाहिए लोकल कमिटी और जो अर्बन वार्ड हैं और रेसिडेंट जो एसोसिएशन जो मैंडेटरी हैं बिफोर ग्रांट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और जो जो जनरल बॉडी है उससे जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी स्पेसिफिक कंडीशन में वो क्लियर होनी चाहिए कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो रिप्लेस बाय एक्सपर्ट गुड पीपल जो वेरियस स्टेक होल्डर हों और जो इन्वायरमेंटल या अदर रिलेटेड फील्ड से हों जो प्रोसेस है सलेक्शन का सभी कमिटीज़ का शुड भी ओपन और ट्रांसपेरेंट जो मिनट्स और जो डिसीजन या फिर एडवाइस होगी सभी कमेटी की ओपन होनी चाहिए मॉनिटरिंग जो कम्पलायंस और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है ई नोटिफिकेशन जो है वो बिल्ड होनी चाहिए विद इन एन आउट आटोमेटिक विद ऑफ क्लियरेंस जो कंडीशन हैं जो क्लियरेंस हैं वो भी वायलेट नहीं होनी चाहिए जो इंट्रोड्यूस किया जाए इंट्रोड्यूस किया जाए वो क्या कहते हैं पनिशमेंट और नॉन कम्पलायंस एट प्रेजेंट जो granted, जो आई नोटिफिकेशन लिमिट है शुड बी स्टेज बेयर या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांटेड जो मिनिस्ट्री है वो वो कहते हैं सेटअप करे मोर रीजनल ऑफिस जो एडवाइजरी एक्सपर्ट कमेटी हो जो स्मॉलर एरियाज़ में जो जोडिक्शन और इफेक्टिवली मोनिटर करे कम्पलायंस को ऑफ द क्लियरेंस और जो रोबस्ट मोनिटरिंग मैकेनिज्म है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए बाई स्टेट डिपार्टमेंट जो एड्रेस कर सके कम्पलायंस को बोथ जो सेट ऑफ क्लियरेंस कंडीशन हैं टुगेदर और ये टेक प्यूनेटिव एक्शन अगेंस्ट द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट इन केस ऑफ नॉन कम्पलायंस जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं ये ब्रॉड फॉर्मल मोनिटरिंग और रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन जो प्रेजेंटली डन बाय रीजनल ऑफिस ऑफ द एम ओ वी जो रिड्रेसल है जो निवारण होगा कंपोजिशन ऑफ जो एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो नीड टू बी चेंज टू इंक्लूड मोर जुडिशियल और फ्रॉम द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट जो सिटीजन हैं उनको भी एबल टू एक्सेस द अथॉरिटी तक जा सकें फॉर रिट्रेसल ऑल जो वायलेशन अगर ई आई ए नोटिफिकेशन करता है एज वेल एज़ इशू रिलेटिंग टू नॉन कंप्लाइंस जो कैपेसिटी बिल्डिंग जो कैपेसिटी बिल्डिंग एन जी ओ जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है जो कम्यूनिटीज़ हैं उनको भी बिल्ड करना चाहिए कैपेसिटी जो यूज़ करें ई आई नोटिफिकेशन टूवर्ड बेटर डिसीजन मेकिंग ऑन प्रोजेक्ट और ये इम्पैक्ट देयर लोकल इन्वायरमेंट और लाइवहुड कैपेसिटी जो है बिल्ड टू प्रोएक्टिवली और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें नोटिफिकेशन रादर दैन रिस्पॉन्ड इन अ मैनर दैट इज़ सी एज नेगेटिव और अनप्रोडक्टिव जो लिस्ट है इन्वामेंटल सेंसिटिव प्लेसेस की रिलीजियस और हिस्टोरिक प्लेसेस की चाहे आर्कोलॉजिकल मोनोमेंट साइट की हो सनरिक एरियाज़ की हिल और चाहे बीच की चाहे हेल्थ की चाहे कोस्टल एरियाज हो रिच इन कोरल मैंग्रोव ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ सोशल स्पेसिफिक स्पीशीज इस जो रिच हैं मैंग्रूव में ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक स्पेशीज गल्फ एरियाज बायोसफियर नेशनल पार्क और जो कहते हैं नेचुरल लेक्स हैं स्वाम्ब इसमिक जोन्स हैं ट्राइबल सेटलमेंट एरिया साइंटिफिक जीनोलॉजिकल इंटरेस्ट के लिए डिफेंस इंस्टॉलेशन स्पेसिफली जो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस के लिए हो बिफोर एरिया बॉर्डर एरिया एयरपोर्ट टाइगर रिजर्व हैबिट फॉर माइग्रेटी बर्ड्स लेक रिजर्वा डैम्स स्ट्रीम रेलवे लाइन्स हाईवे अर्बन और इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान जो इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान है ये इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट और जो एक्टिविटी होंगी नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ बल्कि एलर्जी वायलेटर होना चाहिए इन ई का नोटिफिकेशन दो तो हज़ार अच्छे जो एग्री करता है अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ़ इन्वायरमेंटल क्लियरमेंटली बेनिफिशियल होना चाहिए जो इन्वायरमेंटल सप्लीमेंट प्लान है ये मस्ट रिमीट इंप्रूव प्रोटेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट जो रिड्यूस करे रिस्क और पब्लिक हेल्थ और प्रपोजल जो है ई जो जो ई एस पी अलाउ अलाउ करे वायलेटर कंपनीज़ को जो कंटिन्यू एक्टिविटी बाई पेइंग फाइनेंशियल फैनाल्टी और ये जो है क्या कहते हैं वुड बिलीव इन द इकोनॉमी इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट और एक्टिविटी जो इफेक्ट करे टारगेट ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर पॉजिटिव जो है पॉजिटिव बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो करेंटली इंस्टॉल्ड और नॉन कंप्लाइंस विद ई आई रिजीम और जो प्रिपेयर कर रहे हैं इम्पोजर ई एस पी जो है और इनेबल रिव्यूंग दीज प्रोजेक्ट और जो क्या द बैड लोन्स इशू करेंटली फॉ फ्लॉगिंग द बैंकिंग सेक्टर जो है वो सब्सिक्वेंटली रिजॉल्व होना चाहिए थ्रो थ्रो रिवाइविंग स्टॉक प्रोजेक्ट नेगेटिव में क्या ई एस पी जो है क्लेवर अटैम्प्ट है लीगलाइज करने का ई आई वायलेशन अगर करता है गेन कॉरपोरेट कॉन्फिडेंस और इस अलाय करेगा वायलेटर जो डैमेज करेगा इन्वायरमेंट या सरकमेंट ई आई ये प्रोसेस अमंग ऑल जो केसेज फ्लड हुए हैं एन जी टी के साथ अराउंड फोर्टी वन परसेंट जो केसेज हैं जहाँ पे एन जी टी फाउंड फॉल्ट और जो विद द ई आई एसेसमेंट और जी आई ए वायलेशन हुआ है मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उसमें जैसे कि वायलेशन टू कैरी और इसमें जो डिफेक्ट हैं अल्टीमेट पर्पस ऑफ द ई आई ए बहुत सारे एक्सपर्ट जो अर्ज कर रहे हैं कि ये जो इनडायरेक्टली अलाउ कर रहा है पर्डनिंग वायलेशन रादर दैन बिल्डिंग अपॉन जो जो पॉल्यूटर्स pollu, हैं पे प्रिंसिपल ये ई जो है लुक लाइक एंड अटेम्प्ट टू प्रमोट करेगा कॉरपोरेट डेवलपमेंट बाय यूजिंग द कॉन्ट्रडिक्शन पे एंड पॉल्यूट प्रिंसिपल पे करना पर, जितना पॉल्यूट करोगे उतना पे करना पड़ेगा जो मिनिस्ट्री है वो स्टैंड करेगी नोटिफिकेशन और लीगल बेसिस पे टू जजमेंट वन बाय द एन और जो अदर है झारखंड कोर्ट बट नाइदर ऑफ द टू जजमेंट कंडोज या ये वायलेशन और टू बी रेगुलइज पोस्ट पोस्ट फैक्टो नॉट डज इट प्रिस्क्राइब ए वे आउट ऑफ दिस वायलेशन जो झारखंड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो वायलेशन हो रहा है इन्वायरमेंटल लॉस कैन नाट बी जस्ट कम कंपनसेटेड बाई पिकुलरिटी पेमेंट बाय द वायलेटर ना केवल वायलेट के वायलेटर के द्वारा कंपल किया जाएगा बल्कि उसे और भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वेदर जो फाइन अमाउंट है ये कलेक्ट किया जाएगा प्रॉपरली और यूटिलाइज किया जाएगा और रिस्टोरेशन ऑफ डाउटफुल और नो मे कोई भी नो मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज टू यूटिलाइज द कलेक्टेड फंड कोई भी ऐसा मैकेनिज्म अभी नहीं बना जो इस फंड को यूज़ करे और जो एस पी प्रोवाइड कर रहा है स्केप मेकानिज़म टू वायलेटर्स इंस्टेंट ऑफ़ फॉलोइंग जो पाथ है या ये क्लियरेंस का दे uh, कैन गेट अवे पेइंग पेनाल्टी थ्रो द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो परवरिश परवरिश प्रोएक्टिव और रिस्पांस फैसिलेशन बाय इंटरेक्टिव वर्चस और इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब पर परिवेश जो है ये सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फ़ीचर है इसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल साइन इन और फॉर ऑल जो टाइप ऑफ क्लियरेंस हो चाहे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सियाड यूनिक एक आई डी बनेगी ऑल टाइप ऑफ क्लियरेंस के लिए जो रिक्वायर होगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और सिंगल विंडो इंटरफेस होगा फॉर द प्रोपोनेंट टू सबमिट अप्लीकेशन फॉर गेटिंग ऑल टाइप ऑफ क्लियरेंस इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सियाड इन्वायरमेंट का फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ और सियाजेड चार आप चार चीज़ों के लिए एक ही एक आई डी बनेगी इसी चैप्टर फिनिश होता थैंक यू